नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को अपने मुंह में रखने से इंसान अदृश्य हो जाता है, हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन गुप्त विद्या है। मैं आज आपको इस गुप्त विद्या के बारे में पूरी सच्चाई बताऊँगा, और दोस्तों वो चमत्कारी फल कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और भी इससे अनेक काम बहुत ही आश्चर्यजनक किए जाते हैं। उस फल के द्वारा आप जमीन में गड़े हुए धन को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी फल हो जाता है। और दोस्तों, वो फल कैसे प्राप्त किया जाता है इसके लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो फल दिखा दूँ जिसके द्वारा इंसान हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और गायब भी हो सकता है। वो फल दोस्तों, ये फल है, आप इसे पास से देख लो, ये बहुत ही चमत्कारी फल है। इसके द्वारा इंसान बड़े से बड़े कार्य को चुटकियों में कर सकता है। अब दोस्तों, इस फल को देख करके आप सभी का सबसे पहला सवाल ये होगा कि जब आपके पास में ये फल है तो आप उड़ करके क्यों नहीं दिखाते, आप पानी पर चल करके क्यों नहीं दिखाते। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये सब दिखाने के लिए मंत्र विद्या नहीं होती है। जब गुरु इन चीज़ों को सिखाता है तो सबसे पहले वचन भरवा लेता है कि इन चीज़ों के द्वारा आप कभी चमत्कार नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, हर साधक अपने अपने गुरु के बंधन में होता है, अन्यथा हम भी इसे करके दिखा सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों से अपने अपने घरों में दूध रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि वो दूध कौन पी जाता है, तो मित्रों, इन तंत्र विद्या से बहुत सारे अद्भुत काम हो जाते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज संपूर्ण गुरु के पास ही होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती जो कि ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सके। तो मित्रों, ये जो फल देख रहे हैं आप, इस फल के द्वारा आप जमीन में गड़े हुए अदृश्य धन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, कितनी गहराई पर है वो भी आप देख सकते हैं। और ये फल क्या है मित्रों, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये उड़ने की शक्ति, गायब होने की शक्ति भगवान नारद जी पर और हनुमान जी पर थी। मित्रों, कुछ मंत्र भी हैं जिनकी सहायता से इंसान हवा में उड़ सकता है। कुछ योग विद्या होती है जिसके द्वारा इंसान हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर गिनती में आते हैं नारद जी और हनुमान जी, जो कि हवा में उड़ करके जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते थे गायब होकर। वही विद्या मित्रों, मैं आज इस वीडियो में नारद जी वाली विद्या जो है उसको बताने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा ये करना संभव हो जाता है। तो पहले आप इस फल के बारे में समझ लो। ये जो फल है मित्रों, आप जानते होंगे, शायद आपने देखा भी होगा, नहीं जानते, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फल है मित्रों, वो है बेशरम आक का फल। जैसे एक सफ़ेद आंकड़ा होता है और एक होता है बेशरम आंख, तो बेशरम आंख के ऊपर जो ये फल लगता है, ये वो फल है। और ये इतना चमत्कारी फल है मित्रों, चमत्कारी का होता नहीं है, लेकिन इसे बनाया जाता है। किसी विशेष समय पर ये फल चमत्कारी बन जाता है। तो इसको प्राप्त करने की मैं आज विधि बता रहा हूँ मित्रों, आप कैसे इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। इस फल को प्राप्त करने के लिए मित्रों, जैसे कोई शुभ दिन हो, अभी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है या होली दीपावली ग्रहण काल हो, ऐसे शुभ अवसर पर आप एक बेशरम आक का पौधा अपने घर में लगा लें या अपने खेतों पर लगा लें, जहां भी आपका रिक्त जगह पड़ा हो वहां पर आप लगा सकते हैं। और उस पौधे में आप जब तक खाद पानी दें, जब तक वो फल फूल ना जाए,
मित्रों, जब वो पौधा बढ़ जाए, उस पर फूल आ जाए, फल आ जाए, तो उस पौधे पर आप लगातार 41 दिन तक सिद्धि करें, साधना करें। और साधना करने से उस पर लगे हुए जो फल हैं वो सभी चमत्कारिक बन जाते हैं। तो जो साधना के समय आपको क्या क्या करना है, जब आपके उस बेशरम आग के पौधे पर फल लग जाएं, तो आपको नहा धोकर के, फ्रेश होकर के एक चौमुखा दीपक उस पौधे के जड़ में जलाएं और आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वहां बैठ जाएं। और बैठ करके मित्रों, आपको एक मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप करना है। मंत्र आप नोट कर लो मित्रों, ओम ह्रीम ह्रीम वायु बेगा आगच्छ सिद्धि प्रदाय स्वाहा। ये मंत्र हवा में उड़ने का है, जो जिस मंत्र से नारद जी हवा में विचरण करते थे। और मित्रों, दूसरा मंत्र आप अदृश्य होने का लिख लें, ओम नमो नारदाय अदृश्य देह कुरु कुरु स्वाहा। यह भी नारद जी का मंत्र है और इन दोनों मंत्रों के जरिए से आप अदृश्य भी हो सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। तो साधना काल में आप रुद्राक्ष की माला से एक एक माला इन दोनों मंत्रों का जाप करें और उस वृक्ष से आप 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट भी करते रहें कि हे वृक्षदेव, आपके ऊपर जो फल लगे हुए हैं आप इनको चमत्कारिक बना दो और हम इन फलों के द्वारा अदृश्य होना चाहते हैं और हवा में उड़ना चाहते हैं, ऐसी इसमें शक्ति प्रदान कर दो। मित्रों, 41 दिन तक इन मंत्रों का जाप करने से और वो फल चमत्कारिक बन जाते हैं। और फिर जब आप अपने मुंह में उस फल को रखेंगे और इस मंत्र का मात्र 7 बार जाप करेंगे और आंखें बंद करके आप देखेंगे, तो मित्रों आप हवा में उड़ते नजर आएंगे और जो आपके आसपास में लोग बैठे हैं उनको आप दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य भी हो जाएंगे और हवा में भी उड़ने लगेंगे। ऐसे ही जो जल पर चलने का मंत्र है वो इस वीडियो में गुप्त रखा गया है, क्योंकि वो कुछ अलग हटके मंत्र है, उसका विधान अलग है। तो मित्रों, जब भी आपको जमीन में गड़े धन का पता करना हो, तो आप एक फल ये अपने मुंह में इस तरीके से रख करके और जमीन में गड़ा धन देखने का जो मंत्र है उस मंत्र को मात्र 11 बार बोल देना और आंखें बंद करके देखना, जमीन में गड़ा धन आपको इस फल के माध्यम से साफ साफ नजर आ जाएगा। और पहली वीडियो में मैंने अदृश्य धन को देखने का यह शीशा तैयार करने का भी प्रयोग बताया था। जिन लोगों ने तैयार कर लिया हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ये बहुत ही अद्भुत शीशा था। और ऐसे ही ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी का फल है, जिसके द्वारा आप ये सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इसका एक बार प्रयास जरूर करेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। तो अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।